हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल। दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर टू और पार्ट टू ऑफ हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे किसी सीक्वेंस का अगर वो समेशन के फॉर्म में हो तो हम उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि किसी भी सीरीज का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में टाइम हो गया था, इसके लिए हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, बट आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी आती है किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने में। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो है मतलब या कह सकते हैं दो मेथड डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज टेलीस्कोपिंग सीरीज और सेकेंड है बाय यूजिंग एक्सपांशन हाउ टू फाइंड सम ऑफ एनी सीरीज। मतलब किसी भी सीरीज का हम सम फाइंड कर सकते हैं एक्सपांशन का यूज करके। तो प्लीज जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि मेथड वन टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है। मान लो एक सीक्वेंस दे देते, सपोज लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। मान लो हमने एक रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस ले लिया, तो एक सीरीज इस फॉर्म की ए एन माइनस ए एन प्लस वन और समेशन ए एन प्लस वन माइनस ए। इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगा, एक टेलीस्कोपिंग सीरीज है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सपोज जैसे हमने ये सीक्वेंस ले लिया, तो अगर ये जो सीक्वेंस ए एन है अगर ये कन्वर्ज हो रहा है तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज हो जाती है हमारे पास ए वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन। बट कंडीशन क्या है, यही कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है एन की वो एक्सिस्ट होनी चाहिए। अगर ये लिमिट वैल्यू एन एक्सिस्ट हो गया तो हमारे पास ये जो इसका सम होगा पार्शियल सम वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन माइनस लिमिट एन अपॉन एन टेंस टू इंफिनिटी। एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी है इसके, कुछ फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम काफी समेशन का डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और कहीं कहीं इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये करके देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो सीक्वेंस जैसे कि ए एन ए एन प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं जैसे वन अपॉन एन एन प्लस वन, एन ये सीक्वेंस है तो इसे हम पार्शियल सम के फॉर्म में लिख, तो अगर पार्शियल सम का यूज करें तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये एन प्लस वन यहां होगा और ये मतलब कैंसिल होकर वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन हो जाए। अब ये जो सीरीज ये इसके फॉर्म में है ए एन माइनस वन अपॉन ए एन प्लस वन, तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो ए वन है वो क्या हो जाएगा वन और वन बाय एन कन्वर्ज होते हैं जीरो, यानी कि अगर इसका हम सम फाइंड करेंगे तो कितना होगा वन। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके हम किसी भी सीरीज का जो इस टाइप के होंगे उनका सम फाइंड कर सकते। तो ये हमारे पास मेथड नंबर वन है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे मान लो अगर कोई सीक्वेंस, अरे सीरीज एन एन प्लस वन एन प्लस टू, जैसे वहां पर तो वन टाइम था तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर सपोज एक सीरीज ऐसे कंटिन्यू चल रहा है एन प्लस थ्री, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास आ जाता है K इंटू के फैक्टर। अब इसका जो प्रूफ है मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, बाकी प्रूफ इजी है, सिर्फ थोड़ा एडजस्टमेंट करके टेलीस्कोपिंग सीरीज का हमें यूज करना है, बाकी सिंपल है थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह, बट हमें डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन देखना है कि अगर इस टाइप के सीक्वेंस आ रहे हैं, अगर इस टाइप का सीरीज है तो उसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन के इंटू के फैक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लू तो क्वेश्चन का ही ले लेते हैं, अपने मन से लेते सपोज अगर मैं n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू
एन प्लस थ्री, ठीक है। अगर ये टाइप का एक सीरीज है तो अगर किसी ने पूछा इसका सम फाइंड करो तो सम ऑफ सीरीज क्या हो जाएगी, यहां पे के की वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल यानी ये हो जाएगा वन अपॉन 36। थ्री फैक्टोरियल सिक्स और सिक्स थ्री जा एट। ऐसे सपोज अगर ये टर्म n प्लस थ्री है, अगर ये n प्लस फाइव तक जा रहा है इसका सम हो जाएगा फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 300। मतलब ये टाइप का अगर कहीं भी सीरीज दिख रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन के इंटू के फैक्टोरियल। तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन, मान लो अगर ये तो कंटिन्यू है ना, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 1, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 ऐसे जा, तो यही सपोज अगर समेशन 1 अपॉन n और ये डायरेक्ट k तक चली जाए तो फिर कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो सपोज फाइंड करना है कि 1 अपॉन n इंटू n प्लस k। अब यहां पे क्या था, यहां पे ये 1, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस k इस तरीके से चल रहा था, बट यहां पे ये 1 और n के बाद डायरेक्ट किया गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 1 अपॉन n इंटू n प्लस k, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन k 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 सॉल्व अप टू प्लस 1 अपॉन k। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फाइंड करना है समेशन 1 अपॉन n इंटू n प्लस 3, इसका सम फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, यहां पे k की वैल्यू है 3, 1, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। अब ये 1 बाय 3 हो गया, अब अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस 3 6 और यहां पे ये अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहां पे 6 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 6 प्लस 3 9 प्लस 11 बाय 18, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 बाय 18, यहां पे लिख देता हूं, इसका सम क्या हो जाएगा 11 बाय 18। तो ये दो मेथड है, पहला मेथड क्या है कि अगर 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 से लेके 1 n प्लस k तक जा रहा है, तो इस मेथड वन का ये कह सकते हैं कि ये पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन ये कि सपोज ये n प्लस 1 n प्लस 2 टर्म ना देके डायरेक्ट n प्लस k दे रहे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा कि अगर जैसे ये 6 तक आ जा रहा है तो ये थोड़ा एलसीएम वगैरह का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है जिसका जिसके यूज से हम किसी भी सीरीज का जो कि ए एन माइनस ए एन प्लस 1 या फिर ए एन प्लस माइनस ए एन फॉर्म के होंगे तो हम टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मेथड नंबर 1। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 36, समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पार्शियल सम आना चाहिए, क्योंकि पार्शियल सम का यूज करके हम इसे टेलीस्कोपिंग सीरीज फॉर्म का बनाने वाले, ठीक है। तो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव। अब ये ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्योंकि 1 के ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसे सिंपल देखू तो वैसे लिख सकता हूं 2n माइनस 1 2n प्लस 1। तो देयरफोर समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव, मैं इसे सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे, अगर सपोज मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। अब ध्यान दो यहां पे 2n 2n कैंसिल होगा बट ये 1 प्लस 1 2 होगा,
तो बट यहाँ पे 2 तो है नहीं ऊपर, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये सिंपल बाय यूजिंग पार्शियल सम कर सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास क्या हो गया 2n, और ये 2 मतलब ये 2n माइनस 1 टर्म है और ये 1 अपॉन an प्लस 1 टर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 1 बाय 2। या तो अगर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं भी यूज करना तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे 1 पुट करूं, देखो ये 1 कैसे करता है, एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर यहां पे 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1 माइनस, अगर यहां पे 1 पुट करूंगा तो 1 बाय 3 प्लस, अगर मैं यहां पे 2 पुट करूं तो 4 माइनस 1 ये 1 बाय 3 माइनस, अगर यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 5। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास यहां पे 1 बाय 5 माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 पुट करेंगे 3 टू 6 माइनस 1 5 और 3 टू 6 प्लस 1 7। ये कंटिन्यूअसली यहां से लास्ट में क्या होगा 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 हो गया। ये अब ध्यान से देखो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके नेक्स्ट टर्म, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अप्रोच करेगी जीरो। यही यहां पे टेलीस्कोपिंग यूज हो रहा है, क्योंकि टेलीस्कोपिंग क्या कहता है कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होना चाहिए जीरो पे, और ये मेरे पास ए वन की वैल्यू, तो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगी, और इसका सम क्या होगा, इस सीरीज का सम है 1/2। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज, मतलब टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज करके हम इस सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं पीडीएफ में रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 के लिए हम एक्सपांशन का यूज करेंगे। तो एक्सपांशन के लिए एक तो आपको ज्योमेट्रिक, जो ज्योमेट्रिक सीरीज है एक तो उसका सम आना चाहिए, और सेकेंड सबसे स्टैंडर्ड जैसे कि ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन सबको पता होगा, समेशन एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। एक्सपांशन, अब एक्सपांशन करना है किसका, किसी भी फंक्शन का एक्सपांशन करना है। अब अच्छा एक बात बताओ, हम सबको पता है कि 1 माइनस एक्स, अगर ये मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, क्योंकि एक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है ना। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, तो जहां पे r क्या होना चाहिए लेस देन 1, तो ये r लेस देन 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जिसका ज्योमेट्रिक और जिसका रेशियो की कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा x, मतलब मैं सीरीज बना सकता हूं 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर सॉल्व अप टू, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो x है, तो मैं इसे लिख सकता हूं n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x रेशियो n। अब ध्यान रखो, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ऐसा ही सम दे देगा और बोलेगा इसका सम फाइंड करो, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये 1 अपॉन 1 माइनस x है, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं प्लस से तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं माइनस x से, तो यहां पे तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस x इज टू n इज इक्वल टू समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं माइनस 1 इज टू n x इज टू n, क्योंकि माइनस x को लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू x, और एक्सपोनेंशियल रूल का यूज करके माइनस 1 इज टू n इंटू x इज टू n, यानी कि 1 प्लस एक्स का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होती है माइनस 1 रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन, यानी अगर मैं इसका सीरीज लिखूं ये कुछ इस तरीके से होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मतलब अल्टरनेटिंग साइन चेंज हो रहा है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी हमारे पास 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसका जो सम है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं तो ये 1 अपॉन 1 प्लस x का ये सीरीज होगा जिसमें अल्टरनेटिंग साइन चेंज होगा।
अब थर्ड क्या करना है, अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 upon 1 plus x है, इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं इसको। फिर काम करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। अब 1 upon 1 plus x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of 1 plus x, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये तो -1 to n है, इसमें तो x का टर्म सही नहीं है, तो यानी कि अगर मैं x को इंटीग्रेट करूं तो x to n का जो इंटीग्रेशन होगा समेशन n इज गोइंग फ्रॉम, अब ध्यान से सुनना, यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फंक्शन है x to n, मतलब ये जो अगर मॉड x की वैल्यू <1 है तो ये इसका जो पावर सीरीज होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, -1 to n, अगर इसका हम पावर सीरीज निकालेंगे तो पावर सीरीज क्या होगा, 1, यानी कि इस डोमेन के अंदर ये इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होता है। यहां पर हम लोग पावर सीरीज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर आर एक पावर सीरीज है तो उस डोमेन पे फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है और उसे हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा -1 to n x to n plus 1 upon n plus, ये हमारे पास हो गया log 1 plus x का एक्सपांशन। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पहला टर्म स्टार्ट होगा x से, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा और x के n के प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो मतलब x माइनस x2/2 प्लस x3/3 माइनस x4/4, ये हमारे पास सीरीज हो गया log 1 plus x। अब नेक्स्ट सीरीज बनाते हैं 1 minus x का इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, 1 upon 1 minus x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा क्या, मैं इसी को यही लिख देता हूं, सपोज ये 30 से नोट डाउन कर लो, तो अब फोर्थ में क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। अब थोड़ा ध्यान समझो, 1 upon 1 minus x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, log of 1 minus x, बट -1 का डिफरेंस डेरिवेटिव के ऊपर होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव नहीं है तो माइनस से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे जब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा x to n plus 1 upon n plus 1, मतलब यहां पे साइन नहीं चेंज हो रहा है, जैसे यहां पे ये अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है नहीं, बट यहां पे तो ये माइनस का साइन होगा ना, तो मतलब ये अगर सारे पॉजिटिव टर्म्स है और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे निगेटिव, मतलब अगर मैं इसी को रब करके इसका इंटीग्रेशन करूं तो जो फोर्थ है ये हमारे पास हो जाएगा log of 1 minus x is equal to summation, जो माइनस बाहर था ना उसको मैं यहां ले देता हूं, -x to n plus 1 upon n, यानी कि ये जो टर्म्स होगा वो -1 minus x minus x square minus x cube, तो ये हमारे पास एक्सपांशन हो गया log of 1 minus x। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है log 2 की वैल्यू, तो सिंपल क्या करना है, यहां पे x के प्लेस पे 1 पुट कर दो। अगर मुझे अब फाइंड करना है log 0 की वैल्यू तो यहां पे 1 पुट कर दो, log -1 की वैल्यू पॉइंट फाइंड करना है तो यहां पे log 2 पुट कर दो। तो इस तरीके से हम किसी भी log की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपांशन, या फिर हमारे पास सीरीज गिवन होगा, ठीक है, यहां पे सीरीज गिवन है और वो हमें पूछेगा उसका सम क्या होगा, तो अगर हमें एक्सपांशन पता है तो हम डायरेक्ट उसका यूज करके बता सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल e raised to x, e raised to x का जो एक्सपांशन होता है वो होता है x raised to n upon n factorial, वेर n इज गोइंग फ्रॉम 0 to infinity। अब यहां पे x पे कोई कंडीशन नहीं, जैसे वहां पे पावर सीरीज जब हम बात करते थे ज्योमेट्रिक सीरीज की, ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज होता है जब वो x की वैल्यू यानी जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। बट e raised to x का जो पावर सीरीज होता है वो एवरीवेयर कन्वर्जेंट है, यानी कि पूरे रियल नंबर पे कन्वर्जेंट होता है, तो देयरफॉर यहां पे x पे कोई कंडीशन नहीं, x कोई भी रियल नंबर।
इसका एक्सपांशन ई रेस टू एक्स ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं पाई रेस टू एन लिख दूं यहाँ पे ई रेस टू पाई होगा, यहाँ पे मैं जीरो लिख दूं तो ये वन अपॉन एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मतलब अगर वन अपॉन एन फैक्टोरियल का अगर मैं सॉल्यूशन लूं तो वो ई आ जाएगा। और कई बार तो ऐसे आ जाते हैं, तो इसका एक बार नेट एक बार आईटी जैम में क्वेश्चन आया था 2018 में कि उसने क्या किया था, वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल देखिए पूछा था ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो कन्वर्जेंट तो है, या फिर कौची पूछा था तो कन्वर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि इसका सम निकाल सकते हैं, वो कन्वर्ज होता है ई पे, मतलब वो कन्वर्ज हो रहा है, और कहां कन्वर्ज हो रहा है ई, बट वो रैशनल नंबर का सेट दिया था तो रैशनल नंबर में नहीं हो रहा, मतलब वो कौची सीक्वेंस है बट उस सेट के अंदर कन्वर्जेंट नहीं हो रहा था। तो कभी कभी तो डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। सिक्स, अब ध्यान से ना थोड़ा क्वेश्चन कैसे आते, अब ये जो ई रेस टू एक्स है ना, अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दू तो, अब ध्यान सुनो, अगर सपोज मैं ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कर दू तो ये तो मेरा समेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा कि एन की वैल्यू वहां से वहां तक जाएगी वन से इंफिनिटी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव करूंगा तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, बट अगर मैं जब इसे डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये मेरे पास एक्स रेस टू एन माइनस वन एन एन फैक्टोरियल। अब ध्यान सुनो, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो n n कैंसिल हो गए, ये सिंपल हो जाएगा समेशन n इज गोइंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी x रेस टू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ध्यान से अगर मैं देखू तो ये तो इसके इक्वल ही है ना, क्योंकि देखो यहां पे भी ये वन से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफरेंट क्या है, मैं इसे सिंपल e रेस टू x का ही एक्सपांशन लिख सकता। अब इसका एप्लीकेशन होता है, अब कैसे होता है, जैसे मैंने एक एनबीएचएम का सम सॉल्व किया था कि वन प्लस एनबीएचएम में भी था और आई थिंक एक नेट के भी क्वेश्चन में था कि ऐसे दिया था वन वन प्लस टू वन प्लस थ्री ऊपर सम थी और नीचे वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, तो वहां पे हमने पहले उसका सम लिया था एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, फिर उसको एन प्लस वन को मतलब कैंसिल वगैरह करके, तो वहां पे जो नीचे जो सीरीज आ रही थी वो एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाता, जब n माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है तो लगता है कि नहीं ये तो टर्म कुछ कम ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि e रेस टू x का जो डेरिवेटिव होता है फिर से वही आता है। तो ये देखो ये n माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है, बट क्या वो सेम डिफरेंट होगा, नहीं, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस सम को फाइंड करते हैं, जहां मैं बोल रहा था ना कि वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल का भी आंसर कितना होगा, ई ही होगा। बट हाँ, अगर ये टर्म देखे सपोज ये x रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल ही दे और यहां पे ये 1 से स्टार्ट करे तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं उसे e माइनस 1 लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म कम है और वो कौन सा टर्म कम है, पहला टर्म। बट अगर इस तरीके का हो तो यहां पे हम कम नहीं करते, तो ये आपको ध्यान देना है, और यहीं पे मिस्टेक भी होता है जब एग्जाम में होते हैं तो वहां पे इतना याद नहीं आता, और ऐसे मिस्टेक सबसे मिस्टेक होता है, मुझसे भी होता है ऑब्वियसली। हाँ ठीक, उसी तरीके से जो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स था उसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, जैसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होके वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम एक्सपांशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव निकालेगा। एक तो वो आपको होमवर्क में करना है, सेकेंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो भी सीरीज आएगी x रेस टू n का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, और उसके बाद ये जो माइनस 1 था उसको ये साइड लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो कि करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं इसके बेस पे एग्जांपल्स कैसे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है सॉल्यूशन नंबर 35 कि अगर आपको दिया है समेशन n इज गोइंग फ्रॉम
1 टू इंफिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब फाइंड करना है इसका सम। अब कैसे करेंगे समेशन। अब एक चीज याद रखना, ये जो वैल्यू है वो एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, एन इज इक्वल टू 1। अब एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एन स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं, एन इंटू एन अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां से ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहां तो क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज कि एन इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन को हम लिख सकते एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, एन इज गोइंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब थोड़े ध्यान से समझ, जब मैं यहां पे से एक टर्म कैंसिल करूंगा ना, तो ये जो टर्म होगा वो n माइनस 2 से स्टार्ट होगा। तो जो पहला टर्म है ना ये चेंज होकर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, यानी इसका जो सम होगा इसकी सम कितनी आएगी e। अब यहां पे ध्यान से, ये n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है बट यहां पे n की वैल्यू क्या है 1, बट यहां पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब कुछ चेंज हो रहा है नहीं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई कि इसका आंसर आ जाएगा 2। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसका यूज